हेलो फ्रेंड्स, स्टार प्लस की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट सीरियल अनुपमा में चल रहा है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां सीरियल के रीसेंट ट्रैक को तो आप सभी कर रहे होंगे फॉलो। तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, जहां सीरियल अनुपमा की कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि अब फाइनली डिम्पल का डाइवोर्स भी हो चुका है और अनुपमा की डांस एकेडमी भी हथिया ली है उसने और समर ने, और अब वो दोनों एक दूसरे से शादी करने की सोच रहे हैं। तो वहीं बा होंगी डिम्पल और समर की शादी के खिलाफ, तो वहीं अब डिम्पल जोड़ने वाली है अनुपमा के सामने अपने हाथ। जी हाँ दोस्तों, सुपर हिट टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि डिम्पल चाहती है जल्द से जल्द अब समर से शादी कर लेना, लेकिन उन दोनों की शादी की बात बाघ को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है और वो है उन दोनों की शादी के खिलाफ भी। लेकिन वहीं बात को सुलझाने के लिए बा जो है वो अनुपमा को फ़ोन करती हैं, तो वहीं अनुपमा आने से साफ साफ मना कर देती है। तो वहीं डिम्पल समझ चुकी है कि उसकी शादी जो है वो एक इंसान के हाथ में है करवानी, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारी अनुपमा ही होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब अपनी शादी के चक्कर में डिम्पल जो है वो अनुपमा के हाथ पैर जोड़ती नज़र आने वाली है, अनुपमा के सामने झुकती नज़र आने वाली है और करने वाली है मिन्नतें कि उसकी शादी करवा दो। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, ये वही डिम्पल है जिसे अनुपमा की डांस एकेडमी ज्वाइन करना पसंद नहीं आ रहा था और उसने अनुपमा की बेइज्जती कर करके खुद उसी की डांस एकेडमी छीन ली। तो वहीं अनुपमा का प्यारा और लाडला बेटा डिम्पल के चक्कर में खुद अपनी माँ के खिलाफ भी चला गया। लेकिन वहीं समय का पहिया घूम चुका है दोस्तों, अब समर और डिम्पल को पड़ने वाली है अनुपमा की हेल्प की नीड, क्योंकि एक वही है जो उनकी शादी करवा सकती है। लेकिन वहीं अनुपमा सबकी असलियत देखने के बाद शाह हाउस में आने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अनुपमा जो है वो बस अपने ऊपर ही फोकस करना चाहती है और अपने सपनों को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है। वो खुद को फैमिली प्रॉब्लम और इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है। लेकिन वहीं लीला बा जो हैं वो समर और डिम्पल की शादी के खिलाफ तो शुरू से ही थी, जहाँ डिम्पल पर हाथ उठाने वाली हैं बा, वहीं डिम्पल भी कम नहीं है। वो उनके हाथ को रोक देगी और बाघ को धमकी देगी कि वो समर से शादी तो करके ही रहेगी, चाहे कोई माने या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है डिम्पल की इन हरकतों और बदतमीजियों को देखकर क्या वो सही लड़की है समर के लिए? क्या आप भी चाहते हैं इन दोनों की शादी हो? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।